सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, तो आज आपके लिए एक नई वीडियो, और उस नई वीडियो के अंदर एक बहुत ही नई कार आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो गाइस, ये आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे i20 ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये गाड़ी गाइस i20 N लाइन वर्जन है, और अगर मैं एक शोरूम की कीमत की बात करूं फॉर N8, ये वेरिएंट N8 कहलाता है, और इसकी वेरिएंट के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 11,75,000 रुपये। अब आप प्राइस को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार, इस प्राइस में तो क्रेटा का बेस आ सकता है या और भी कोई बढ़िया गाड़ी आ सकती है अच्छे वेरिएंट की। तो इसके अंदर ऐसा कुछ क्या है कि आपको ये कंसिडर करनी चाहिए। वैसे गाइस, ये ऑन रोड की बात करूँ तो आपको ये गाड़ी पड़ेगी 13,40,000 रुपये के आसपास, आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है। कैसा कुछ इसका एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, और कितनी कुछ वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी, आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। सामने से गाइस, जब मैं इसको लेके चलूँगा तो बिल्कुल रेगुलर आपकी i20 की लुक है, बट कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस हैं N लाइन के अंदर। जैसे कि सबसे पहले तो आपको N लाइन सामने दिखेगा, और ये जो इसकी मतलब लुक रखी गई है वो रेड एंड ब्लैक के अंदर रखी गई है, जो कि बहुत स्पोर्टी लुक देती है कार को। सामने जो फ्रंट ग्रिल है वो पूरा ब्लैक के अंदर ट्रीटमेंट दिया गया है, आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगा। ये पूरा बढ़िया पियानो फिनिश के अंदर N लाइन यहाँ से लिखा हुआ है। और गाइस, नीचे वाला पार्ट है जो आपके डाउन में फ्रंट स्किड प्लेट पे जो रखा गया है, यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश दे रखा है, और ये सामने एक रेड की पट्टी दे रखी है जो कि इसको पूरा स्पोर्टी एक्सेंट देके जा रहा है। बाकी गाइस, आपके जो हेडलैम्प यूनिट है वहाँ पे आपको हाई बीम के लिए आपका जो है प्रोजेक्टर, लो बीम के लिए दोनों के लिए प्रोजेक्टर्स ही दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, LED DRLs यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और गाइस i20 लिखा है, फॉग लैंप्स आपको नीचे स्पेसिंग छोड़ रखी है। तो गाइस, मिक्स एक्सेंट्स हैं और बहुत ही सुंदर कार की फ्रंट लुक लगती है। बाकी साइड से बात करते हैं क्या कुछ आपको मिलता है। तो अगेन वही रेड एंड ब्लैक स्पोर्टी एक्सेंट्स कार के अंदर देख रखे हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, नीचे साइड में, ऊपर देख सकते हैं। तो टायर जो यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ अगेन आपको मिलेगा R16 का, और R16 में भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल इसकी रखी गई है। जहाँ पे गाइस, जो इसका डिज़ाइन है, जो एलॉय का डिज़ाइन है, मतलब काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा, बहुत ही नया सा डिज़ाइन है, और कुछ कुछ इसके स्पोर्टी ऐसे जैसे N इसके ऊपर लिखा हुआ है, N लाइन, तो काफ़ी प्यारा ये लुक देके जा रहा है। तो बढ़िया है, N लाइन का बैजिंग आपको यहाँ भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। जो ORVMs रखे गए हैं वो टर्न इंडिकेटर साथ ब्लैक में ही रखे गए हैं। बाकी गाइस, कार की लुक काफ़ी अच्छी है। बॉर्डर्स पे आपको रेड एंड ब्लैक का स्पोर्टी एक्सेंट दे रखा है। ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी कार की कम रखी गई है, और आपको जो है काफ़ी बढ़िया आपके डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर के अंदर मिलते हैं। तो ऐसा कुछ लुक निकल के आएगा। इधर आपका रियर व्हील आप देख सकते हैं, आपका ये आपका जो सी पिलर है, आपके यहाँ बहुत सारा स्पेस यहाँ छोड़ रखा है। रियर में गाइस, कुछ आपको एक स्पोर्टी कार वाले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डुअल एग्जॉस्ट टिप आपको दे रखी है, जो कि बहुत बढ़िया आपका ऐसा फरारी टाइप सी फील करते हैं, जो स्पोर्टी कार वाली फील होती है वो आपको देखी जाएगी। नीचे पूरा ब्लैक का ट्रीटमेंट दे रखा है। सो गाइस, बेसिकली स्कर्टिंग्स है ना, उन पे बहुत वर्क कर रखा है कार में। यहाँ पे आपका नीचे रिफ्लेक्टर स्ट्रिप दे रखी है, पूरा ब्लैक का ट्रीटमेंट दे रखा है। पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, रियर पार्किंग कैमरा वहाँ सामने देख सकते हैं आप, और वही आपकी रेगुलर जो लाइट्स आती हैं आपकी, वो रियर में आपको टेल लैंप्स वही रखी गई हैं LED के साथ। डिफॉगर्स हैं, वाइपर्स दे रखा है, हाई स्टॉप लैंप है। ये वाला पार्ट गाइस ब्लैक ग्लॉसी के अंदर छोड़ रखा है, और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट आप देख सकते हैं, ये ब्लैक का पार्ट है, ये काफ़ी बढ़िया छोड़ा हुआ है। i20 लिखा हुआ है, N लाइन का बैजिंग आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर रियर इसकी नज़र आएगी आपको। जब गाइस आप बूट को ओपन करेंगे तो काफ़ी बढ़िया सा प्रोपोर्शनेट बूट है, पार्शियल सेल्फ के साथ है, स्पीकर की माउंटिंग है, और बहुत सारा स्पेस इसके अंदर है, काफ़ी डीप है। अगर इसकी बात करूँ, टूल किट दे रखी है यहाँ पे, और स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ नीचे ही दे रखा है। तो गाइस, काफ़ी बढ़िया लुक है ये कार की, यहाँ से आपको बंद कर सकते हैं, हैंडल दे रखा है, तो काफ़ी बढ़िया से लुक है गाइस। शार्क फिन एंटीना के साथ ये गाड़ी आ रही है। भाई गाइस, एक हाईलाइट है इस कार के अंदर, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सनरूफ है गाइस यहाँ पे दे रखी है, तो सनरूफ का ऑप्शन आपको जरूर N8 के अंदर मिल जाएगा। बाकी गाइस, रियर से पहले बात करते हैं, रियर में देखते हैं कैसा कुछ है। रियर के गाइस, डोर ओपन कीजिए, बूट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मैं स्पेस दिखाऊं तो गाइस, ये चीज़ के अंदर स्पेस काफ़ी है, ये मेरे साथ सेट है, तो स्पेस लेगरूम की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आने वाली आपको। भाई गाइस, जो सीटिंग है आपकी फुल लेदरेट में दे रखी है, देखिए आप गाइस, रेड के स्टिचिंग के साथ पूरी स्पोर्टी लेदरेट फिनिश है। ये देखिए गाइस, आर्मरेस्ट देखिए, इसका कप होल्डर के साथ नहीं है, नॉर्मल आर्मरेस्ट देखे, पर गाइस लेदर की फिनिश बहुत प्यारी लगेगी आपको। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें गाइस, AC वेंट आपको नीचे ज़रूर दे रखा है। पीछे गाइस कुछ स्पेस है आपका, जो USB के चार्जिंग का स्पेस दे रखा है, तो ऐसा कुछ स्पेस निकलेगा गाइस। ये चीज़ देखिए, पीछे आपकी जो रूफ रखी है पूरी ऑल ब्लैक रखी गई है, लाइक ए स्पोर्टी कार। और यहाँ पे आपका जो है आपकी कैबिन लैंप भी दे रखी है, तो ये गाइस काफ़ी बड़ी ऐसी पूरी कार अंदर से ब्लैक के अंदर मिलेगी आपको, तो ऐसी कुछ लुक आएगी। तो गाइस, कार के हुड के अंदर आपको सबसे पहले एक बार इंजन दिखा दिया जाए, क्या इसके अंदर मिलता है आपको। तो जब गाइस आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पैकेजिंग नज़र आएगी। तो गाइस, ये इंजन है आपका 118 BHP वाला, 175 के आसपास का टॉर्क निकलता है।
ये गाइस सभी i20 के अंदर आपने देखा टर्बो इंजन यही आपको मिलता है। N9 के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको मिलते हैं, इंसुलेशन शीट नहीं है। पैकेजिंग टर्बो इंजन की बहुत ही अच्छी और पावर बहुत अच्छी निकलती है, 118 bhp बहुत होता है गाइस। यहाँ पे गाइस आपको पैसिव एंट्री दे रखी है, ऐसी कुछ की नजर आती है जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन है। टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर यही वाली की मिलती है आपको। यहाँ पे गाइस आपको बूट को एक बार डोर को ओपन कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक डोर मिलेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऑल फोर पावर विंडोज दे रखे हैं आपको, वन अपना अप एंड डाउन के साथ। ORV में कंट्रोल्स आपको दे रखे, ओपन है क्लोज का फीचर भी यहाँ दे रखा है। यहाँ पे गाइस आपके रेड के एक्सेंट्स दे रखे हैं, तो गाइस ये कार काफ़ी बड़ी लगेगी। और एक चीज़ के अंदर ध्यान देने गाइस, यहाँ पे आपको ना बॉस का सराउंड साउंड मिलता है, तो गाइस बॉस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और स्पीकर की माउंटिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे तो N9 के अंदर जो बकेट टाइप फिनिश है सीटिंग या प्रॉपर इसकी जो लेदरेट है वो देखिए गाइस, रेड स्टिचिंग है, एन लिखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस मुझे सीटिंग इसकी बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर गाड़ी की प्राइस की बात करूँ 11,75 है, तो मेरे ख्याल में तो ऑटोमेटिक आपको दे देना चाहिए था। सो गाइस ये फिनिश है आपकी i20 N9 N8 विद सनरूफ टॉप एंड वेरियंट का। क्या कुछ मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे की रख देता हूँ और कार को ओपन करके आपको बताता हूँ क्या कुछ इसके अंदर मिलता है। तो ब्रेक पे पैर रखा हमने, ये लुक है गाइस। गुड इवनिंग, एंजॉय अ सेफ एंड प्लेजेंट ड्राइव एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर सीट बेल्ट। तो ये वार्निंग आई गाइस, जब भी आप i20 N9 को ओपन करेंगे ना तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी गाइस। यहां पे हम थोड़ा सा लगा देते हैं कि लाइटिंग का थोड़ा इशू हो जाएगा नहीं तो। तो गाइस ये वाइजर्स हैं, ये अगेन पूरा ब्लैक फिनिश के अंदर है। यहां से आपको स्पोर्टी फील आएगा, कार के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे तो सेफ्टी की भी कोई कंसर्न नहीं है। तो ये लुक है गाइस i20 N9 का, मैं थोड़ा पीछे करके दिखाता हूं आपको। अभी हमने कार को पार्किंग पे लगा रखा है, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पूरा डिजिटली शो होगा, वर्चुअल कॉकपिट दे रखा है गाइस आपको। यहां पे टैकोमीटर आप देखिए गाइस, ऐसे रेव्स बढ़ेंगे, स्पीडोमीटर डिजिटल में है, पूरा थीम इसका प्रॉपर टॉप एंड होंडा वेरिएंट्स के अंदर जैसा आता है बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा। और यहाँ पे आपको बीच में आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, बाकी सारा पार्ट आपका ब्लैक के अंदर रखा गया है, वहाँ पे आपको एसी दे रखा है और गाइस टॉप का पार्ट सारा हार्ड के अंदर ही रखा गया। तो और गाइस ये फिनिश है, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया, मतलब स्टीयरिंग भी इसका N9 के अंदर ना थोड़ा अलग रखा गया, थोड़ा स्पोर्टी रखा गया। यहाँ पे N लिखा हुआ है, पूरा बढ़िया फिनिश है, लेदरेट दे रखा है और मतलब क्या ही खूबसूरत जिसे कहते हैं ना पैडल शिफ्टर्स दे रखे गाइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने प्यारे लगेंगे आपको पैडल शिफ्टर देखिए गाइस। ये आपका क्रूज कंट्रोल है, ये मल्टीमीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स हैं फोन अप एंड डाउन के लिए और ये इन्फॉर्मेशन सारी है यहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना सारा कंपास, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम मिल जाता है गाइस यहाँ पे आपको। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है गाइस देख के कार को। यहाँ पे गाइस आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दे रखा है गाइस, यहाँ पे एसी वेंट्स है, स्टार्ट स्टॉप का बटन पीछे छुपा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 360 डिग्री व्यू के लिए दे रखा है, हेडलैम्प के कंट्रोल्स दे रखे हैं। और गाइस ये चीज़ मतलब प्रॉपर आपको एक फन एस हैचबैक, एक स्पोर्ट हैचबैक की फील देगी गाइस। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई आपको थोड़ा स्पेस दे रखा है, तो ये चीज़ें गाइस, बोतल होल्डर का स्पेस आपको मिल रखा है कभी होल्डर्स के अंदर। तो गाइस ये चीज़ें हैं। और बीच की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको 10 इंच का इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि मतलब इतना बड़ा किसी और अदर ब्रांड के अंदर किसी ने ऑफर कर रखा होगा। इस क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर, अभी सामने से ऐसा लगेगा आपको होम पेज, यहाँ पे आपको वॉच दे रखा है, कंपास है, बाकी इसके अंदर हम डाइविंग कर सकते हैं। मेन्यू पे क्लिक करेंगे जैसे, तो वॉल्यूम के कंट्रोल्स भी आएगा, सेटअप, मीडिया, तो गाइस मीडिया पे क्लिक करते हैं। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, डिवाइस कनेक्शन, इसके अंदर गाइस ब्लू लिंक मिलता है तो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ है। नेविगेशन ऐसे एक्सेस कर सकते हैं तो नेविगेशन आप सारा देख लेंगे, सेटअप के अंदर है, तो गाइस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। और इसके नीचे हम बात करते हैं तो एसी वेंट्स आपको दे रखे हैं, अगेन रेड एक्सेंट्स इसके अंदर भी आपको मिलते हैं, हैजार्ड लैंप का फंक्शन है, ऑटोमेटिक एसी दे रखा गाइस, कितना प्यारा आपको देखिए। इसके ऊपर टॉगल फिनिश के ऊपर रेड और ब्लैक का फिनिश दे रखा है और ये फ्रंट रियर के लिए यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स हैं, तो गाइस काफ़ी प्यारी फिनिश के अंदर रखी गई है, मतलब हर चीज़ आपको ब्लैक के अंदर बहुत ही सॉलिड लगेगी। यहाँ पे आपके गाइस यहाँ पे USB वेंट दे रखा है, आपका फास्ट चार्जर के लिए दे रखा है, 12V का सॉकेट दे रखा है, इसको ऐसे उठाएं। और गाइस यहाँ पे आपको फाइनली आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। यहाँ पे गाइस गियर के ऊपर कितना प्यारा फिनिश है N9 का देखिए गाइस, ये रेड और ब्लैक का स्टिचिंग है, बहुत ही बढ़िया है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, स्पोर्ट, शिफ्ट लॉक रिलीज का बटन और हैंड ब्रेक आपका जो रखा है, हैंड ब्रेक आपका लीवर के साथ है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है और दो ग्लास होल्डर का स्पेस यहाँ बन जाता है। तो गाइस ये लुक है। बाकी गाइस इस कार के अंदर मतलब आपको जो परफॉर्मेंस है वो इसका मेन है, बट अब वो गाड़ी पड़ेगी आपको 9 से 10 लाख के आसपास पड़ती है जो टर्बो। इसके अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, तो कितनी कुछ वैल्यू फॉर मनी है गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर लिख के बताइएगा कितना लगता है। 11,75 देना इस कार के लिए कितना सही है। और ऊपर वाला पार्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको IRVM दे रखा है काफ़ी बड़े, ये भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा और आपको SOS सेफ्टी का फीचर है अपनी कार को, अगर कोई पीछे में बंद पड़ जाए तो वहाँ पे क्लिक करके सेफ्टी को बुला सकते हैं। ब्लू लिंक का बटन दे रखे है और ये वाला पार्ट गाइस पूरा ब्लैक के अंदर है। कैबिन लैंप दे रखे हैं आपको, हलोजन के अंदर ही मिलेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी आपका सनग्लास होल्डर है और गाइस ये आपकी सनरूफ है, पूरा ब्लैक फिनिश दे रखा है। यहाँ पे सिंगल क्लिक करें और आपकी सनरूफ ऐसी कुछ ओपन हो जाती है, थोड़ी छोटी है बट हाँ ज़रूर काफ़ी एडिक्वेट, जो कहते हैं ना एडिक्वेट लाइटिंग आई करके, तो एडिक्वेट आप एक बच्चा तो निकल ही सकता, काफ़ी सही लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस।
इसको भी बंद कर दे। तो आप ऐसे सेमी क्लोज भी रख सकते हैं, कवर खुला रहेगा और उसका ग्लास ऐसा रहेगा, और ऐसे कुछ लुक कार के अंदर आती रहेगी। तो गाइस कैसी कुछ लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कितनी वैल्यू फॉर मनी है गाइस ये कार आप मुझे वहाँ लिख दीजिएगा, कमेंट्स में कुछ जानना चाहते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना गाइस, थैंक यू सो मच।